अपने खेत में काम करो भैया, काम करो। चला फेंक थोड़ा। अरे यार फड़वा क्यों फेंकते हो? ये खेत हमारा है, इस पर कब्जा हमारा है, तुम्हारा नहीं। अरे जाओ जी जाओ। चल 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 हट चल हट। मैं तू था तो डंडा लियो। अरे यार काम क्यों नहीं करने देते भैया? चल हट। खेत हमारा है, अगर भागोगे नहीं तो लठ से खोपड़ी फोड़ दूंगा। मेरा खेत है, मेरे बतौंची। हमारा खेत है, किसान लोग हर चलाएंगे, इस पर कब्जा हमारा है। अब तो खत्म है कब्जा। आज कैसा कब्जा कर लेंगे? हाँ लठ से। अरे भक्तन तो मारी जारी तब पाए हम, लेकिन कहा भाग गए। ऐसा ऐसा आदमी पर आए देख लिये वही जमाना भैया। खेत रहा उनका ही कानून में तब दिशा गुजारा करत रही। अबे बेचारू जबरदस्ती होकर कब जी आओ फल मार के उन्हें भगाए दिन बेचारे ने कब तो उन्हें दुनिया चला जाए। अब कहाँ जावा जाए बाप? अरे छोटकी अब कहाँ जावा जाए? दो चार बिस्तर वहां रहा वहां ले लिए। अब कौन है दुनिया में? भैया बताओ कहीं बहुत रो रहा था। एक प्रभाता की बच्चा देखो, रो न रोए से कोनो मतलब नहीं निकल था। अपने मन में धीर रखो, परेशान ना हो और काका सुनो हमार बात। बताओ भैया, जैसे तुम्हें जबरदस्ती कर रहा था और का तुम्हारे खेत कब्जा कर लिए मरबो की नहीं, लेकिन एक बात हम तुम्हें और सलाह बता दी थे। हले उठू ये कारक तुम्हें दिया दी थे और जाए के इनसे बात करो, कह दो जाए बढ़िया से बताओ कि हे भैया हमारे खेतों में लीन मरबो की नहीं, दोनों पर आने इनसे बताओ तो हमारे खेतवा मिल जाए भैया। अरे खेतवा नहीं मिलेगा यार, तू कैसा आदमी लब लब रहा है? कम से कम इसका कोई रास्ता तो बताएंगे कि मैं खतवा धरे हाथ दे दे उठाए। कहाँ जाए भैया, कहाँ जाए यार? इसमें क्या लिखा, इसमें पढ़कर दे। ये महा तो लिखा है श्री अनिल श्रीवास्तव राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति जी भैया। कहाँ जाए क्रांति? वही वही लेकिन इतना बड़ा आदमी लेके हम कौन में जाए गरीब आदमी? अरे यार वो इतने बढ़िया आदमी है कि गरीबों के लिए मर मिट सकते हैं, तो अभी तक सुना नहीं कहीं। यानी से गांधी जी के जैसा? हाँ जी हाँ। अगर ऐसी बात है तो मैं अनिल श्रीवास्तव जी के पास जरूर जाऊंगा और इसी वक्त जाऊंगा। छुटकी चल ले। हाँ चलो चलो। अरे बाबू साहब जी, ये शायद कुल धंधा पानी बहुत सिलो चला था ठंडी के मौसम से। अब आदमी सो नहीं दिखाते और लागत है कि अपने इस राज में जो है आदमी परेशान नहीं है, नहीं तो भले कौनो ना कौनो आदमी होती है। आएंगे जरूर। अब कहाँ जाए बाप? यह देखो कच्चा इन फाट पर आते हैं। एक बात बताओ। हाँ क्या बताओ? अनिल श्रीवास्तव घर है, ये घर वो कही थे कि क्या नीको बेकार ना आवा करो, कवन मेरे आदमी सुबेरे सुबेरे से पनौती लगाया। भैया हम नए बाबू से मिले आए। अच्छा वो उनसे मिलना है? हाँ, मिले खा भैया मिले खा। उनका काटवा डाट गए हमें दिन ना जा देखो। अच्छा तो ये काम करो ले चली थक मुझे पहुँचाए दी थे उनके पास तक बात ही करो। आओ चलो 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 आओ आओ। वैसी कहा जाता वैसी रब रहिए भुलाई जाबो बाबा जाबो। हेलो पहुँच गए और जाए नमस्कार करो उसके बाद। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है? क्यों परेशान? अरे हम सब बर्बाद हो गए, मालिक बर्बाद हो गए। क्या बर्बाद हो गए? अरे एक गुंडा आकर हमारा पूरा खेत कब्जा कर लिया भाई, बाप कब्जा कर लिया, तुम्हारा खेत कब्जा कर लिया। अब हम लोग जाए तो कहाँ जाए? यानी भू माफियों का दबंगा ही हमेशा बढ़ता जा रहा है। हाँ भैया हाँ। तुम इसकी चिंता मत करो, तूने मेरा नाम अच्छी तरह से सुना है। मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव है। जी हाँ, हमने देशद्रोहियों को भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाने का काम किया, हमने गरीबों को हटा और कर दिलाने का काम किया। तुम्हारा
जमीन मैं दिलाऊंगा, क्योंकि भू माफिया है, सबको खेल पहुंचाऊंगा। ठीक है, अगर ये काम हो जाएगा ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, तुम्हें हक अधिकार मैं दिलाऊंगा और सबको, हमारे माननीय मोदी जी को, हमारे योगी जी को, हमारे माननीय अनिल श्रीवास्तव जी को अच्छी तरह से धन्यवाद दीजिए और सरकार से अपील कीजिए कि टिकट इन्हीं को मिले। धन्य हो योगी जी और मोदी जी और अनिल श्रीवास्तव जी जो अध्यक्ष है हमारे यहाँ के, और अगर काश हमारे अध्यक्ष जी न होते तो आज हमें हमारी जमीन नहीं मिलती और हम बेसहारा लोग जाते तो कहाँ जाते। तो चिंता मत करो, मैं दिलाऊंगा। ठीक है, एक बार बोलो योगी जी की, एक बार बोलो सीएम मोदी जी की, एक बार बोलो अनिल श्रीवास्तव जी की जय हिंद जय भारत। मैं गवर्नमेंट से अपील चाहूंगा कि टिकट हमी को मिले और हमें भी जनता के बीच में सहयोग करने का अवसर मिले। शुक्रिया, धन्यवाद। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।